मंत्राणी जी जो कुछ कह गई, मंत्री जी जो कुछ कह गई, उसके लिए मुझे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे कहीं ज़्यादा खुश होने वाली मेरी माँ यहाँ बैठी है। पर उनकी बातों में एक बहुत बातें बहुत सुंदर हैं, बहुत बातें लुभावनी हैं, पर उनकी बात में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जो कि जिस विरोधाभास को इस कॉन्फ्रेंस को दूर करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छी बात क्या है इनके साथ में कि ये सुनने को तैयार हैं और हमको वो सब मैकेनिज़म्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जब से जैसे कि उन्होंने हिमांशु ठक्कर जी को एक्नॉलेज किया, उन्होंने रामास्वामी अय्यर जी को एक्नॉलेज किया, तो जब दो लोगों को उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया, तो इस तरह से इस बीच में बहुत सारे ऐसे और लोग भी बैठे हैं जिनको वो खुद एक्नॉलेज करती हैं। ज़रूरी यह है कि हम अपनी बात, आज क्या हो रहा है, हमारी बात उन तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर हमने डिबेट कराई एक दिन की, और दोनों पक्ष थे, यहाँ से तो कोई भी नहीं था उसमें। तो जब कोई भी नहीं था तो दूसरा पक्ष तो वाकई वहाँ नहीं था, तो इसलिए लगता है कि उस कॉन्फ्रेंस को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया कि दूसरा पक्ष या तो हो ही नहीं या बहुत कमज़ोर हो। हाँ, तो इसलिए, और उनको बताया क्या जा रहा है कि हमने तो पूरे दोनों को देखा है और पर्यावरण को बचाएंगे और इंटरलिंकिंग करेंगे। ये चीज़ दोनों चीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब ये तो ये हो गया कि दिन और रात एक है, पर्यावरण बचाना, इंटरलिंकिंग करना, वो दिन और रात एक करना है, वो दिन और ये नहीं, दोनों एक चीज़ नहीं है। पर अच्छी बात क्या कह गई कि अगर वो पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे तो हम इंटरलिंकिंग नहीं करेंगे। अब हमको उनको इंश्योर करना है कि आपकी इंटरलिंकिंग पर्यावरण को नहीं बचा पाएगी। तो अब हमको ठीक है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट बना है, इस डॉक्यूमेंट और उस दिन जो यहाँ डिबेट हुआ था उसमें क्लियरली निकल के आ गया था कि ये कितना भी चाहें, ये इंटरलिंकिंग एक्चुअली प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये कर ही नहीं पाएंगे। अगर ये कुछ वो शिप्रा और नर्मदा के नाम से कुछ इधर उधर छोटा मोटा कर लेंगे तो वो कोई बड़ी भारी वो, मतलब वो तो कहीं से भी इंटरलिंकिंग नहीं है। पर अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हम ये डॉक्यूमेंट तो जो बनेगा, हम इन कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे बेसिन वाइड मैनेजमेंट, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जैसे डैम्स का व्हाई दिस कंट्री नीड्स एनी मोर डैम्स, व्हाई दिस कंट्री कैन नॉट डू विद एग्जिस्टिंग डैम्स एंड इम्प्रूविंग डैम, ऐसे चार पांच मुद्दों को अगर हम आइडेंटिफाई करके और एक राइट अप बना के, और फिर रामास्वामी अय्यर जी और ठक्कर जी और पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे, क्योंकि शायद उनको हमारी शक्ल कुछ दिख गया, वो हम पीछे पीछे चले जाएंगे और उनको हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, इतना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। अब ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है, ये इस चीज को ये सरकार जो है बहुत ही डेंजरस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वो इस्तेमाल सिर्फ वो नहीं करेंगे, उनके मंत्रालय के अधिकारी करेंगे, वो अपने खिलाफ है ना। हाँ, वो इनके मंत्रालय के अधिकारी करेंगे उस चीज को, इसलिए उस पॉइंट को हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हम उस डिसीजन को रिव्यू कराएं, अगर करा सकते हैं एट द लेवल ऑफ। हाँ, तो भाई एक बात देखो, बार बार उमा भारती जी एक ही बहाना इस्तेमाल कर रही थी कि हमें देश के किसानों के लिए, देश के रोजगारों के लिए सब करना है, हमें ये डेवलपमेंट मॉडल जो है ये उसको इस्तेमाल कर रही है, और हमें इस डेवलपमेंट मॉडल को गलत प्रूव करना है कि इस डेवलपमेंट मॉडल में गरीबी बढ़ती है, इसमें खुदकुशियाँ बढ़ती हैं। डैम की सिर्फ इसलिए ज़रूरत नहीं कि पानी और बिजली चाहिए, डैम की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसको बनाने में जितना इकोनॉमिकल वो ग्रोथ दिखती है,
उसके लिए डैम बनता है, पानी और बिजली के लिए नहीं बनता है। ये पूरा प्रोसेस हमें पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल का है, वो हमें समझ कर दिखाने की ज़रूरत है कि ये गरीबी बढ़ाता है, ये प्रदूषण बढ़ाता है, ये नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन डिप्लीशन बढ़ाता है। जब जिस दिन हम ये समझा पाएंगे उस दिन वो हमारी बात शायद तैयार हो जाएंगे, नहीं तो तब तक भी यही सोचते हैं इन बांधों और कैनालों के बनने से गरीबी दूर होती है। वो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इनसे नहीं होती है दूर, इसीलिए हम आपसे बातें कर रहे हैं, उन्हीं की बात जुटलानी पड़ेगी हमें। सही बात। देखिए एक चीज़ उन्होंने कही कि एक टास्क फोर्स बना था, जिस टास्क फोर्स ने कहा था कि ये हो सकता है, ये वो भूल गई कि उनके बाजू में जो एक सज्जन बैठे हैं रामास्वामी अय्यर जी, वो उस टास्क फोर्स के मेंबर थे। और रामास्वामी अय्यर जी ने यहीं पर अपनी मीटिंग में कहा था कि टास्क फोर्स ने इसको नहीं सही माना था। इसका मतलब क्या हो रहा है? मंत्री तो टास्क फोर्स की रिपोर्ट नहीं पढ़ने वाली हैं, जो अधिकारी लोग हैं वो उस टास्क फोर्स के पिक एंड चूज वो जो हैं मंत्री को पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं कि टास्क फोर्स ने ये बोला है। जबकि अगर वो रामास्वामी अय्यर जी को समय देती, मैंने तो जबरदस्ती समय ले लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़रूरी था, पर अगर वो रामास्वामी अय्यर जी को समय देती यहाँ पर तो वो बताते कि क्या हमारी टास्क फोर्स ने कहा था। इनकी टास्क फोर्स ने इसको बिल्कुल नहीं, इसको मंजूरी बिल्कुल नहीं दी थी, इसको ग्रीन सिग्नल बिल्कुल नहीं दिया था। सर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताएं। मुझे ये भी लगता है कि आपको पब्लिक कैंपेन करना चाहिए इसके ऊपर, इट शुड कम इन द प्रेस, इन द मीडिया, इन अ बिग वे। सर एक छोटी बात है, सर ये जो इंटरलिंकिंग मान लीजिए उमा जी सोच रही है कि इनको पूरा मैंडेट मिला है और हमेशा यही लोग गवर्नमेंट चलाएंगे, हो सकता है बाई चांस ये इंटरलिंकिंग का कुछ थोड़ा सा सुनियोग है, हो सकता है कि ये इंटरलिंकिंग का इनके जो अंदर भावना है कि उनको सदुपयोग कर सकते हैं इनके अनुसार, जो कि गलत है, लेकिन आने वाली सरकारें इस तरह से उस पानी का दुरुपयोग करेंगी क्योंकि हमेशा इनकी सरकार नहीं रहेंगी और हमेशा मोदी और उमा भारती गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, आगे चल के पता नहीं कौन कौन लोग गवर्नमेंट में आएंगे और वो तहस नहस कर देंगे सारी व्यवस्था। नहीं वो तो गलत है ही है, गलत है ही है।